लगभग मतलब 400 ऐसे विद्यार्थी आए जिसमें बड़ी धांधली नजर आ रही है। किसी किसी विभाग में तो सेम कैटेगरी सेम सब कुछ, 270 वाले लड़के का एडमिशन नहीं हुआ, 230 वाले का हो गया सेम कैटेगरी। दो लड़के मध्य प्रदेश से आए थे कि हमारा, इन्होंने पहले एडमिशन लिया, बाद में मेल कर दिया कि तुम्हारा एडमिशन गलती से हो गया और जल्दी कंट्रोलर ऑफिस मिलो। जब हमें आए तो हमसे जबरदस्ती एप्लीकेशन लिखवा लिया गया कि तुम्हारा एडमिशन गलत तरीके से हो गया है और तुम एडमिशन वापस लेना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं विश्वविद्यालय से संबंधित सभी गतिविधियों को आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट देते रहता हूं। अभी हम लोग BHU में है, अभी हम लोग सेंट्रल ऑफिस में बैठे हुए थे और यहां पर हमारे जो सीनियर्स हैं वो जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज इनकी क्या मांगे, आइए इनसे बात करते हैं, सारी जानकारी आपको देते हैं। तो फिलहाल भैया, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग किस मुद्दा को लेकर अभी सेंट्रल ऑफिस के पास धरना दे रहे हैं। हम लोग PhD प्रवेश प्रक्रिया में हुई धांधली के खिलाफ धरना दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारी 11 सूत्रीय मांग है। जो पहले PhD में प्रवेश प्रक्रिया थी उसमें बदलाव करके ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और हित के लिए, अपने जनों को प्रवेश देने के लिए यहाँ के कुछ अधिकारियों द्वारा एक कृत्य किया गया है जो घोर निंदनीय है। हम लोग आज मैंने 5वें दिन उसी के खिलाफ बैठे हैं और धरना दे रहे हैं। पहले जो है कई दिनों तक हम लोग 8 बार ज्ञापन सौंपे, 11 बार इनसे मुलाकात हुई। हमेशा हमको आश्वासन देते रहे, बदल देंगे, बदल देंगे, बदल देंगे, नहीं बदले। जब हम लोग पहले दिन आके यहाँ धरना दिए तो इन्हें उसमें कुछ बदलाव किए जो हम मांग ही नहीं रहे थे। इन्होंने उसमें भी अपने जनों की कुछ चीज़ें कर दी जो कि उनके व्यक्तिगत स्वार्थ हो, सिद्ध हो और अपने ही लोग उनमें आए। मांग में मैं आपको हाईलाइट 2-3 चीज़ें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पहले PhD जो प्रवेश होता है वो 2 तरीके से होता था, अभी भी 2 ही तरीके से होने वाला है, रेट और रेट एग्जम्प्टेड। एग्जम्प्टेड में वो लड़के आते हैं जो UGC नेट क्रैक हो, नेट और JRF हो। रेट में वो बच्चे आते हैं जो नॉन नेट हो। ये पहले से तय था। पहले रेट की जो कट ऑफ लिस्ट बनती थी उस ऐसे ही बनती थी कि रेट का इंडेक्स प्लस एकेडमिक प्लस इंटरव्यू का नंबर बना दिया जाता था। अब इन्होंने उसमें बदलाव करके लाया क्या है कि एग्जम्प्टेड में हम JRF जो बच्चा होगा उसको 5 नंबर देंगे, नेट जो बच्चा होगा उसको पहले तो इन्होंने कहा कि 0 नंबर देंगे। उसके बाद जब हम लोगों ने धरना दिया तो इन्होंने कहा कि हम 2.5 नंबर नेट को भी देंगे। दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि देखिए, ये हम लोग के पास द गजेट ऑफ इंडिया है, इसमें हमने इनको एकदम साफ दिखाया कि देखिए, दूसरे पॉइंट के क में लिखा हुआ है कि उच्चतर शिक्षण संस्थान एक साक्षात्कार के आधार पर UGC नेट, UGC CSIR, नेट, गेट, CD और इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के परीक्षाओं में अध्यावृत्ति छात्रवृत्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं। पहले एग्जम्प्टेड में जितने लड़के एप्लीकेंट होते थे सब इंटरव्यू देते थे। इन्होंने कहा कि मैं बस 4 गुना लड़कों को बुलाऊंगा। तो हम उस पर अचंभित हुए कि ऐसा क्यों है कि आप लड़कों से फॉर्म भरवा लेंगे, उससे पैसा ले लेंगे और फिर उसको परीक्षा वंचित कर देंगे, क्योंकि इंटरव्यू तो एक मौखिक परीक्षा ही है आप जो लेते हैं, 4 गुना का क्राइटेरिया क्यों तय करेंगे। धरना देने पर इन्होंने 10 गुना किया। हमने फिर भी कहा कि मान लीजिए किसी किसी सीट में 4 सीटें आई है किसी विभाग में, ऐसा CUT का सिस्टम है कि 2 सीट रेट में चला जाएगा, 2 एग्जाम्पेड में, तो वहाँ जो बच्चे पिछड़े दलित आदिवासी के बच्चे हैं जो SC ST OBC कोटे में, उनको क्या देंगे। तो इन्होंने कहा कि 1-2 सीट वालों पे बस मैं जनरल OBC को बुलाऊंगा, जिस विभाग में 13 सीट से कम है वहाँ रोस्टर लागू नहीं करेंगे हम। मतलब इनके नज़र में वो बच्चे छात्र नहीं है, वो पढ़ने लिखने के लायक नहीं है। अब आइए रेट में। रेट में भी इन्होंने कहा कि रेट जो बच्चा क्रैक करके आएगा उसमें भी हम JRF को 5 नंबर देंगे और उसको 0 देंगे, नेट वाले को 0 देंगे, 0 देंगे। हमने कहा कि ये हम नेट JRF की मांग ही नहीं करते हैं, ये कहीं है ही नहीं किसी विश्वविद्यालय में जो आप यहाँ लगाए हैं कि JRF को 5 नंबर देंगे, नेट को 2.5 नंबर दें। हम ऐसी न तो मांग करते हैं ना आपसे मांगना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि हम रेट में आए बच्चों को भी 5 नंबर JRF को देंगे और 2.5 नंबर उसका देंगे। जब हमने उसका विरोध किया तो उस दिन मिलने आए और आके और थोड़ी देर अपनी बात कह के चले गए। हमने इनसे तर्क मांगते रहे कि आप ये फरमान लाए, हो सकता है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो उसको स्पष्ट करिए, हमें संतुष्ट करिए, लेकिन इनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई वो नहीं है कि ये हमको आके संतुष्ट करें, तर्क दें कि ये क्यों ऐसा हो रहा है इसमें। जबकि देखिए, रेट में भी 4 गुना पहले से 5 गुना लोगों को बुलाया जाता है,
इस गजट में आप देख सकते हैं कि इसमें स्पष्ट लिखा है कि जिस किसी मतलब रेट की परीक्षा में अगर कोई छात्र 50% अंक लाता है तो उसको आप रेट में बुलाएंगे। और अभी देखिए दिल्ली में हुआ इंटरव्यू, कई विभाग में 120, किसी में 100, किसी में 70 सीटें आई, उसमें 1600 बच्चे इंटरव्यू दिए और इंटरव्यू इन लोगों को लेना पड़ा। यही हम लोग की मांग है। आज 5वां दिन है, कल तो हम लोगों ने कुलपति और एग्जामिनेशन कमेटी के चेयरमैन, परीक्षा नियंता का पुतला फूका। आज हम लोगों से अभी कोई मिलने नहीं आया, हम लोग उसी इंतजार में है कि कोई आए और ये वापस जब तक नहीं लेंगे हम लोग धरना पे जमे रहेंगे, डटे रहेंगे। तो आपको जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं, अभी या फिर अगर आप ग्रेजुएशन का देख लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का देख लीजिए या फिर PhD का देख लीजिए, सभी एडमिशन प्रक्रिया में आपको कमियां देखने को मिल रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज्यादा कमियां हैं। हम लोग तो जब मतलब कम आते जाते थे, आए उस समय कोई मिला तो इतना आभास नहीं था। जैसे हम लोग धरने पे बैठे लगभग मतलब 400 ऐसे विद्यार्थी आए जिसमें बड़ी धांधली नजर आ रही है। किसी किसी विभाग में तो सेम कैटेगरी, सेम सब कुछ, 270 वाले लड़के का एडमिशन नहीं हुआ, 230 वाले का हो गया, सेम कैटेगरी। बताइए, लाइब्रेरी साइंस में एक बच्चे का सेम कैटेगरी है, उसको पेमेंट के लिए ऑफर 6 घंटे के लिए किया गया और एक उसी कैटेगरी के लड़के को पेमेंट के लिए ऑफर 24 घंटे का किया गया। यहाँ तक धांधली है कि पहले अफिलियेटेड से अपग्रेड होके आता था यूनिवर्सिटी में, मेन कैंपस में, अब मेन कैंपस से अपग्रेड होके चला जा रहा है अफिलियेटेड। एक SC का बच्चा है, एंसियंट का एक दिन आया था, यहाँ मिला, उसने बताया कि हरुआ का कोई लड़का था सुनील गुंड नाम का, अब उसको यहाँ से अपग्रेड करके भेज दिया गया है DAV में, और DAV में जाने के बाद भी उसने फी दिया है जनरल का 6200 रुपया पेमेंट किया है। बताइए, ये स्थितियाँ हैं। यहाँ अभी आपको सुबह से यहाँ एक अंकल बैठे थे, उनका बच्चा छत्तीसगढ़ से आए थे, 2 लड़के मध्य प्रदेश से आए थे कि हमारा इन्होंने पहले एडमिशन लिया, बाद में मेल कर दिया कि तुम्हारा एडमिशन गलती से हो गया और जल्दी कंट्रोलर ऑफिस मिलो। जब हमें आए तो हमसे जबरदस्ती एप्लीकेशन लिखवा लिया गया कि तुम्हारा एडमिशन गलत तरीके से हो गया है और तुम एडमिशन वापस लेना चाहते हो। यहाँ तक गड़बड़ियाँ हैं। हम लोग किसी का काम नहीं रोके, हम देख लीजिए आप वहाँ गार्ड लोग लगाए हैं, यहाँ हम धरने पे बैठे हैं। हमने कंट्रोलर से कहा भी, देखिए आज हम लोगों ने सबको ज्ञापन सौंपा, रिएक्टर को, चीफ प्रॉक्टर को, रजिस्ट्रार को, कि हमने कोई गेट बंद कर नहीं रखा है, हम यहाँ बैठे हैं और हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हमारी मांग को लेकर आप किसी अन्य को प्रभावित करें। इन्होंने 5 दिन से गेट बंद कर रखा है, यहाँ के कर्मचारी को हटा देते हैं, कंट्रोलर खुद गायब है, चेयरमैन खुद गायब है, हमने किसी को नहीं रोका, काउंटर हमने खोलने की अपील की। हम इनसे इसलिए लड़ते हैं कि यहाँ आ रहे लोगों की दुख हमसे नहीं देखी जाती, छात्रों की दुख हमसे नहीं देखी जाती, आप भेजिए उनको, उसका काम कराइए। लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ी है कि इस पर्दाफाश के चलते ये नहीं जाने देते हैं कि कहीं हो या कि हमसे कहें तो हम फिर इनसे सवाल न करने लगे। यानी कि रजिस्ट्रार नहीं आ रहे हैं, कंट्रोलर नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। कंट्रोलर तो एक दिन आए थे और फिर गायब हो गए, छुट्टी पे हैं, पता नहीं कहाँ हैं, कोई नहीं आ रहा है। अब ये देखिए, ये हमारे विश्वविद्यालय की स्थिति है, जब दूर दराज अगर आप किसी गांव में रहते होंगे तो ये सुनने में आता है कि जब उनके किसी बेटे का एडमिशन BHU में होता है तो बड़ी प्राउडली वो गार्जियन कहता है कि हमारा बच्चा जो है BHU में पढ़ रहा है, BHU में उसका एडमिशन हुआ है। और आज देखिए आप BHU की क्या स्थिति है और क्या यहाँ पर धांधली ही कह सकते हैं कि धांधली हो रहा है, एडमिशन प्रक्रिया में हो रहा है, जिसका एडमिशन हो जा रहा है उसका जो एप्लीकेशन लिखवा के उसको कैंसिल कराया जा रहा है, या फिर बहुत सारी प्रक्रिया आपको भी अब देखने को मिली और आप भी देखेंगे कि हम आपके लिए एडमिशन के लिए कितना लगे हुए थे और अभी तक जो है इनका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी एडमिशन कम्प्लीट हुआ, वो तो छोड़ दीजिए, इसमें तो हो ही रहा था। और हमारे अभिभावक स्वरूप जो हमारे सीनियर है, जो PhD स्कॉलर्स हैं, जो PhD में एडमिशन लेना चाहते थे, उनके साथ भी धांधली और गड़बड़ियाँ की जा रही हैं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग आज धरना का 5वें दिन यहाँ बैठे हुए हैं और इन 5 दिनों में जिस प्रकार का व्यवहार हम लोगों के साथ किया जा रहा है, उस प्रकार का व्यवहार तो मैं विश्वविद्यालय प्रशासन, कुलपति, रजिस्ट्रार सभी लोग निंदनीय है। यहाँ हम लोगों के लिए पहले दिन से ही लेकर के आज तक अभी तक सब कमियाँ ही दिख रही हैं। हम लोग जब यहाँ मिलने आते थे, अपनी इन समस्याओं, PhD के जो प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में मिलने आए 8 बार हम लोग, तो बहुत सी चीजें हम लोग को नहीं दिखी, लेकिन आज 5 दिनों यहाँ पर लगातार 5 दिन में बैठने पर ये सब चीजें साफ दिख रही हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे धोखेबाजी और छल कपट चल रहा है। और यहाँ तक अभी भाई साहब बताए कि जो PhD की सीट के लिए लड़ रहे हैं, PhD की सीट भाई अधिकार हमारा है,
किसी विभाग में 4 सीट निकाल दे रहे हैं, 2 सीट रेट के लिए और 2 सीट एग्जम्प्टेड के लिए, ये तो प्रक्रिया है ही। लेकिन अब जब 2 सीटें रेट के निकाल रहे हैं, 2 सीटें एग्जम्प्टेड के लिए निकाल दे रहे हैं, तो फिर उसमें न ही जो गरीब आदिवासी दलित जो छात्र हैं, जो दूर दराज जो है कि जंगली इलाकों से आते हैं, जहाँ पे अभी भी प्राकृतिक के जो है कारण अभी तक वहाँ पे जो आज संसाधन के जो साधन है वहाँ नहीं पहुँचे हैं, उन बच्चों का जो है कि भविष्य को आप नाशने का काम कर रहे हैं। तो यह सब चीजें एक प्रकार से जो है एक प्रताड़ना का काम किया जा रहा है। बिल्कुल, आप हर जो कि एक साल में 2 बार PhD का एडमिशन होता था जी, 2 बार, लेकिन इन्होंने ऐसा बुलेटिन में अपने जारी कर दिया है कि अब PhD में बस को लेकर ही 1 बार एडमिशन होगा। अब बताइए कि जो मतलब PhD में एडमिशन के लिए जो परीक्षार्थी होंगे, अब तो 3 ही बार एलिजिबल होंगे, 3 ही बार यहाँ पे देंगे, और 3 बार में कभी कभी तो ऐसा होता है कि विश्वविद्यालय में 2-2 साल 3-3 साल तक सीटें ही नहीं आती हैं। तो बच्चे का जो नेट JRF गेट जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो तो लैप्स कर जाएगा। तो बताइए क्या करें बच्चे, मतलब मिला जुला करके इन लोगों की मंशा है कि जो बच्चे हैं उनको बेरोजगार बनाया जाए, उनको कमजोर बनाया जाए, एकदम इनकी पूरी मंशा है। और यहाँ तक अभी आप इधर एक बात देख लीजिए, एक कुछ जो कोटा सेट किया गया है जनरल के लिए और OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए, लेकिन वहीं पे देखिए इम्प्लाई के लिए 14.666। अब बताइए इनका बच्चा 14 नंबर पा करके यहाँ पढ़ने के लिए योग्य है, जबकि यहाँ पे जो है जनरल, SC, ST, OBC के बच्चों के लिए इतना नंबर प्राप्त करने के बाद भी नहीं है एडमिशन नहीं है। एडमिशन जो है कि किसी के लिए पोर्टल 2 घंटे तो किसी के लिए 24 घंटे। बिल्कुल, अपग्रेड का सिस्टम आप सुने ही हैं। यहाँ SC ST के बच्चे कोटा में एडमिशन होने के बाद 6200-6700 रुपए फीस ले ली जा रही है। एडमिशन हुआ भी नहीं है, फिर रजिस्ट्रेशन चालू कर दिए हैं। रिकमेंडेशन फीस लेने के बाद भी एडमिशन कैंसिल कर दे रहे हैं। पैसा ले लिए हैं तो आप एडमिशन न देंगे? बिल्कुल। और जिस कैटेगरी का आप एडमिशन ले उस कैटेगरी में एडमिशन देंगे, लेकिन आप ST के बच्चे से जनरल का फीस ले रहे हैं और आप ग्रेड के नाम पे उसको DAV भेज दे रहे हैं। ये बहुत समस्या है बच्चों को, IC कैटेगरी वाली पूरा का पूरा जो है कि धांधली चल रहा है यहाँ पे। और ये धांधली का जो जरिया है वो बहुत बड़े लेवल पे है। अगर बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको सपोर्ट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं? क्या कोई संपर्क सूत्र वगैरह हो या जो भाई बंधु हम लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ तक कि अभी कल की हम घटना बता रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन जो है यहाँ की न्यूज को पेपर में छापने पर जो है कि दबाव बना रहा है कि छपने ना पाए, विश्वविद्यालय की इज्जत चली जा रही है, छात्रों को जो है कि लोग एकेडमिक हत्या कर रहे हैं, छुरा से नहीं काट रहे हैं बल्कि एकेडमिक हत्या कर रहे हैं, उसका जीवन चौपट कर रहे हैं। तो इस चीजों का उनको थोड़ा सा भी चिंता नहीं है और विश्वविद्यालय की इज्जत ना चली जाए, इसके लिए ये लोग प्रेस वालों तक भी दबाव बनाए रखे हैं कि छपने ना पाए न्यूज। तो मैं इस वीडियो को आप लोग जितना देख रहे हैं इसको खूब सोशल मीडिया पर शेयर करिए, लाइक फॉलो करिए, और आप लोग जो है कि जिस प्रकार से आप लोग को समझ में आता है, जैसे भी समझ में आता है, आप लोग धरना स्थल पर आकर के भी समर्थन कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप लोग समर्थन कर सकते हैं, आपकी जैसी भी इच्छा समझ में आ रही है आप उसे समर्थन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपने सुना हमारे बड़े भाई लोग जो अभी धरना पर बैठे हुए हैं उनकी मांगों को भी आपने पूरा बकायदा बेहतर विस्तार पूर्वक जो है सुन लिया होगा। यही थी इनकी मांग और इनको अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इनको ट्विटर के माध्यम से जो है उनको शेयर कर सकते हैं, इनको लिखकर BHU के BC को टैग करिए, रजिस्ट्रार को टैग करिए और इनको भी सपोर्ट करिए। और ये केवल इनकी ही मांग नहीं है, साथ में आपकी भी मांग है, क्योंकि आपके साथ भी ये चीजें हमेशा हो रही है। आपको आप देखते हुए आ रहे हैं आपको ग्रेजुएशन में कैसे आपको गड़बड़ियां देखने को मिल रही थी एडमिशन में, साथ में PG में कितनी गड़बड़ियां आपको देखने को मिल रही है, ये सारी गड़बड़ियां हैं। और आज अब जो है विश्वविद्यालय में आपको अपने हक के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा, कोई आपके लिए लड़ने के लिए नहीं आएगा। फिलहाल इस वीडियो को यही पेंड करते हैं, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हर हर महादेव।